डॉट इन में आप जम्मू जन के स्वागत है। और मैं अभी हवा नवा बिहान के आज जो रिलीज हुई फिल्म है वहाँ प्रभात टाकिज माँ जानथन फिल्म के रिस्पांस जो जनता मन है देखे है फिल्म वाला ओकर मन से देखे कैसे लगी इस फिल्म में? बहुत अच्छा लगा फिल्म, बहुत ही अच्छे है, काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है मूवी। क्या चीज़ नवा देखे मिली साहब लोग फिल्म में? ये मैं तो वैसे तो काफ़ी चीज़ें मैं नया है बहुत ही, जैसे कि मतलब जो जो दर्शाते हैं ना नक्सलाइड एरिया, हाँ वो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी इस समय। अच्छा। जो मतलब काफ़ी एक यूनिक लगी इस नक्सली एरिया के जो मूवमेंट लग रहे थे इसको जाप ला अच्छा लगी से। और लव स्टोरी भी दी से, लव स्टोरी भी है वो भी काफ़ी अच्छा लगी से लव स्टोरी। मैं कॉमेडी कैसे रही साहब? कॉमेडी भी अच्छा है। तो आप इला 10 में से क्या नंबर देना चाहोगे? 10 में से 10 देना चाहते मैं काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा है मूवी। जी बहुत एक्ट्रेस है मैम, काफ़ी अच्छे, बढ़िया लगी इस फिल्म में आप? बहुत अच्छा लगी सर। बताओ भैया फिल्म कैसे लगी साहब? बहुत अच्छी लगी, और ख़ास करके डायरेक्शन जो है वो काफ़ी नया था, कुछ नया था, एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी थी, सिनेमेटोग्राफर्स जो थे उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है, म्यूज़िक में काम बहुत अच्छा हुआ है, कुछ अच्छा लगा सीजी इंडस्ट्री में, कुछ नया है सच में, एक शायद नवा बिहान है। देखिए नक्सलाइज चढ़िया वैसे ज़्यादा उभारा नहीं गया है, बाकी ये मेन है कि जो युगल जोड़े हैं उनको ही ज़्यादा दिखाया गया, तो नक्सलाइज तो ठीक है और ज़्यादा हावी नहीं हुआ है, और फिल्म जहाँ जो चाहिए संदेश देना चाहता है वो ठीक है। अच्छा आपला ये फिल्म में और का सीख मिलते जैसे कि देखा तो फिल्म ले समाज ला जिन सीखने योग्य बात रही थी उम्र? अब ऐसा है कि नक्सलाइज जो होते हैं वो अपने लोगों को ही मारते हैं और सामान्य लोगों को ही मारते हैं, अगर वो नक्सलाइज ऐसे लोगों को मतलब प्रताड़ित ना करें और सबको जीने का मौका मिले तो नक्सलाइड और हम में कोई अंतर नहीं है, हम सभी एक जवान हैं। अरे बहुत बढ़िया, बच्चे मेहनत किए हैं उसका तो फल परिणाम तो दिख ही रहा है, और ये ऑडियंस देखिए कितना भीड़। मैं तो बस एक ही शब्द बोलना चाहूँगी, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। कॉमेडी आप बोला कैसे लगी सर? अरे एक नंबर, सभी चीज़ अच्छी थी, सभी चीज़, और एक्टिंग तो एक नंबर थी हीरो की, और बहुत अच्छी लगी पिक्चर। तो फिल्म अभी चल सका छत्तीसगढ़ में लंबा? अरे एकदम लंबा चलेगी, बिल्कुल चलेगी। छत्तीसगढ़ के जाने माने कलाकार पुष्पेंद्र जी है, आप लोग कैसे लगी सारी फिल्म? सबसे पहली तो हमार छत्तीसगढ़ के जनता ला जय जोहार, और आप मन से निवेदन है कि नवा नवा विषय पे फिल्म आते है, और पहली घाव ऐसे होते है कि एक नक्सलाइट समस्या के बीच में प्रेम कहानी बुन के लाए है हमारे भाई मन। आकाश कमाल काम करे है, इसका कमाल काम करे है, रवि साहू कमाल काम करे, और सबो जन बहुत जम के कमाल काम करे। आप मन जरूर ये फिल्म ला देखो, काबर की विषय नया है, सब्जेक्ट नया है, लेकिन मया आपके है। धन्यवाद, जय जोहार। सर जी ये फिल्म में जैसे भविष्य में ऐसे फिल्म आवा थे तो जनता के तो मया दुलार मिला थे, आप लोग का लगते कि फिल्म में नया चीज़ में हमें लगते कि जनता ला अब नए नई चीज़ चाहिए, और पहली गांव नवा बिहान में एक नवा चीज़ आए है, और इला देख के जनता बहुत मया दुलार दी, ये मैं जानत हूँ, काबर के हमारे छत्तीसगढ़ के जनता भी अब नवा नवा चीज़ देखना चाहते, तो एक गाँव ओला मिले है, अगले गाँव और अच्छा मिले। जय जोहार। फिल्म बहुत कमाल के बने हैं, और जतेक आर्टिस्ट मन है सब बहुत अच्छा काम करे हैं, और ये पिक्चर से हमें लगा था कि छत्तीसगढ़ में फिल्म इंडस्ट्री पर एक काफ़ी अच्छा अप्रोच हो ही, जो कि हमारे ट्रेंड ला चेंज करी, काबर की ये फिल्म फैमिली ड्रामा के साथ साथ बहुत सारा चीज़ मन ला दिखाए है एक, तो बहुत पॉजिटिव लगी इस फिल्म ला देख के, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहे फिल्म के, सभी दर्शक मन ले ये आशा करते हैं, और इशिका और आशीष सरला और आकाश ला बहुत बहुत बधाई फिल्म पर। मैडम ये फिल्म के अधिकतर जो शूटिंग है वो नक्सली एरिया में हो है, जो वनांचल है, तो एक विषय में क्या चुनौती दी थे ये फिल्म के माध्यम से आप बताना चाहोगे?
एक आर्टिस्ट पर कहीं पर भी काम करना सबसे बड़ा चुनौती होते और नहीं भी होए काबर की एक आर्टिस्ट की कोई रूपरेखा नहीं होए। एक आर्टिस्ट जब काम करते तब वो सिर्फ आर्टिस्ट होते, तो हमन ला कोई भी सीन जब हमन करथन चाहे वो कितना डिफिकल्ट हो हमन ला बोला फेस करे बर लगते और वही आप मन थिएटर में देखता हो तारीफ करता हो। तो एक पिक्चर ला बने में 2 घंटा के पिक्चर ला बने में काफ़ी टाइम लगते, बहुत मेहनत लगते। तो बस आप मन ले यही आशा करते हैं कि छत्तीसगढ़ के जितने भी छत्तीसगढ़ी फिल्म है हमारे जो रीजनल लैंग्वेज है वो मन ला आप सपोर्ट करो, वो पिक्चर ला देख कर हमार मेहनत के आप मन हमन ला फल दो। मैडम फिल्म में नया चेहरा छत्तीसगढ़ के जनता ला देखे ला मिली से, तो ये विषय में आप क्या कहना चाहो? नया नया चेहरा के काम आते रहना चाहिए काबर की छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में सभी ला काम करे के मौका मिलना चाहिए और एमा हमारे छत्तीसगढ़ काफ़ी प्लस है कि हमारे नया आर्टिस्ट मन ला काम देथन, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री के जितने डायरेक्टर मन है वो मन ला नया चेहरा ला सपोर्ट करते, तो ये सबसे बड़े प्लस पॉइंट है हमार। और आपन ला देख आपन देखे हो पिक्चर में या नहीं देखे हो तो जाके देखूँ, काफ़ी कमाल के डेब्यू फिल्म है जते नया कलाकार काम कर रहे थे ओमन के आप अभिनय देखू तो आप मतलब बिल्कुल नहीं लगी, तो बिल्कुल ऐसे ही सपोर्ट करत रही हूँ, आप उनके सपोर्ट के बहुत जरूरत है। पिक्चर एकदम अलग है, कॉन्सेप्ट एकदम अलग है, ऐसे नहीं पिक्चर के जरूरत रही से, मतलब बहुत अच्छा पिक्चर आया है और ये पिक्चर के हीरो आकाश सोनिया इसी का यादव है, तो जोड़ी भी बहुत अच्छा लगा थे और पिक्चर बहुत अच्छे है। सर आपकी भी फिल्म आने वाला है कभी? अभी हमारे पिक्चर आवा थे घरौंदा जेकर 16 दिसंबर के पूरे छत्तीसगढ़ में रिलीज हुई। सर ये फिल्म में भी कुछ नया चेहरा देखे ला मिली और नया कलाकार ला आप मौका देते हो ऐसे कुछ? जी जी, इसमें कुछ नए भी हैं कुछ पुराने भी हैं। फिल्म में मेन री रोड के माध्यम से री रोड में और का कुछ नवा देखे ला मिली घरौंदा के माध्यम से? घरौंदा एक पारिवारिक पिक्चर है, बस छोटा सा संदेश बताओ था मैं, बस हमारे माँ बाप पैदा करते थे और पढ़ा लिखा के बड़े करते थे, ठीक है, और माँ वही बेटा के शादी हो जाते तो बाप माँ विद्या आश्रम काबड़ जाते, बस यही संदेश है। और घरौंदा जो पिक्चर मोर आवत है 16 दिसंबर के पूरे छत्तीसगढ़ में रिलीज हुई और ऑडियंस मन से गुजारिश है कि जहाँ जहाँ टाकिज में लगी आप मन अपन माया दुलार जरूर दो, एकदम अलग पिक्चर है और परिवारिक पिक्चर है और अतका बार मैं चैलेंज कर रहा था कि जो टाकिज में पिक्चर देखी रोते हुए निकल ही, ये मोर चैलेंज है। जय जय जय।